कौन थे? महाभारत के पांच शक्तिशाली सारथी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है और युद्ध में विजय की प्राप्ति के लिए योद्धा का शक्तिशाली होना ही काफी नहीं है, बल्कि जिस रथ पर योद्धा युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है उसका सारथी भी अपनी बुद्धि से, ज्ञान से बलशाली होना चाहिए। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही महाभारत के शूरवीर साथियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने महाभारत काल के युद्ध का रुख ही बदल दिया। इस रोचक जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे भीम के सारथी विशोक की। दोस्तों, विशोक का उल्लेख हिंदू पौराणिक ग्रंथ महाभारत में हुआ है। भीम और विशोक योद्धा सारथी होने के साथ साथ एक काफी अच्छे मित्र थे। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन भीम को बताए बिना युद्ध में चले गए तो भीम को अर्जुन की चिंता होने लगी। तभी विशोक ने युद्ध से सही सलामत लौट रहे अर्जुन की जानकारी दी थी, जिससे प्रसन्न होकर भीम ने विशोक को 14 बड़े बड़े गांव की जागीर के साथ साथ 100 दासियां तथा 20 रथ दिए थे। सर्वश्रेष्ठ सारथी की सूची में दूसरा नाम आता है मद्र नरेश शल्य का। जी हाँ, शल्य जो कि पांचों पांडव के मामा लगते थे और महाभारत के युद्ध की घोषणा सुनते ही वे पांडवों की सहायता के लिए हस्तिनापुर की ओर निकल दिए थे। दूसरी तरफ दुर्योधन को जब ये पता चला तो वो शल्य को कौरवों की तरफ करने के लिए योजना बनाने लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि शल्य जितना कौशल सारथी कोई नहीं हो सकता था और दुर्योधन ने उन्हें छल पूर्वक अपनी तरफ कर लिया था, जिस कारण शल्य को दुर्योधन का और फिर कर्ण का सारथी बनना पड़ा था। अब हम आपको बताएंगे सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण के सारथी दारुक के बारे में। दारुक सारथी की कला में निपुण होने के साथ साथ वे महाभारत के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों में उनकी मौजूदगी देखने को मिलती है। दारुक बड़े ही स्वामी भक्त थे और इस बात की पुष्टि इस प्रसंग से होती है कि एक बार की बात है जब अर्जुन सुभद्रा को हरण करके ले जा रहे थे, उस समय दारुक ने अर्जुन से कहा था कि वे यादवों के विरुद्ध रथ नहीं हांक सकते, अतः अर्जुन दारुक को बांध दे और फिर जहां चाहे रथ ले जाएं। दारुक ही थे जिन्होंने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गवास का समाचार दिया था। मातली ऐसे सारथी थे जिनका वर्णन दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथों में हुआ है, चाहे वो रामायण हो या फिर पौराणिक महाकाव्य महाभारत। मातली देवराज इंद्र के सारथी थे, लेकिन उन्हें रामायण काल में श्री राम के सारथी बनने का सौभाग्य मिला था। वे मातली ही थे जिन्होंने रावण को मारने के लिए, मातली ने महाभारत के युद्ध में भी हिस्सा लिया था। वे एक समय पर अर्जुन के भी सारथी बने थे। आखिर में हम आपको बताएंगे सबसे सर्वश्रेष्ठ अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जिनका परिचय किसी का मोहताज नहीं है। ये तो अर्जुन के अच्छे कर्मों का फल था कि अर्जुन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। और उससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात ये थी कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी भी बने थे। संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर द्रोणाचार्य का भी मानना था कि श्री कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ सारथी थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और आपके हिसाब से शक्तिशाली सारथी कौन था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।